आज 25 मार्च है और यूपी में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण है। 25 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद पहला शिकार कौन बनेगा, योगी का दूसरा कार्यकाल कैसा होगा, क्या करने वाले हैं यूपी में, क्या होने वाला है अगले 5 साल यानी कि 1800 दिन में कैसे बदलेंगे यूपी को, हर किसी के मन में यह सवाल है कि क्या नया होने वाला है। आज हम आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस बार कोई दबाव नहीं है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, बीजेपी से लेकर आरएसएस तक योगी के नाम का जादू चल रहा है। ऐसे में योगी के पास पिछले बार से 100 गुना ज्यादा ताकत है। पिछली बार योगी को पार्टी ने सीएम बनाया था तो इस बार वह खुद साबित करके सीएम बने हैं। शपथ लेने से पहले योगी की वापसी की खबर से कितने अपराधियों और माफियाओं की नींद उड़ गई है। बीजेपी की अब ऐसी प्लानिंग है कि जिससे यूपी में अब अखिलेश का लौटना मुश्किल होगा। अब योगी को यूपी से गुजरात के मोदी की तरह हटाना मुश्किल होगा। कुछ तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों को देखने से एक बात समझ में आ रही है कि चुनाव से पहले सबका खून गर्म था, लेकिन चुनाव के बाद सबसे ज्यादा बाबा के खून में गर्मी है। शपथ से पहले ही यूपी का 2.5 लाख इनामी माफिया बदन सिंह बद्दो के घर योगी का बुलडोजर चल गया। इस बार बद्दो का बचना नामुमकिन है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें अपराधी खुद सरेंडर करने पहुंचा। ऐसी तस्वीर गोंडा में भी देखने को मिला कि 25,000 रुपए इनामी माफिया हाथों में तख्ती लिए पुलिस के पास पहुंचा और कहने लगा कि अब अपराध नहीं करूंगा, बस मुझे मारना मत। योगी सरकार 2.0 में हिस्ट्री शीटर थानों में लाइन लगाकर हाजिरी देने लगी। सहारनपुर के अलग अलग थानों में 72 घंटे में करीब 1.5 दर्जन हिस्ट्री सीटर ने अपराध ना करने की कसम खाई। चिकलाना थाने में 10 से 11, गगल डेही में 8, सरवासा थाने में 4 अपराधियों ने हाजिरी लगाई। चुनाव से पहले अनाप शनाप बात करने वाले बीजेपी के बागी स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर जैसे विरोधी भी योगी के खौफ से बयान देना बंद कर चुके हैं और अब यूपी में बदमाशों की गर्मी शांत होने की भारी उम्मीद है, क्योंकि योगी ने कहा है कि मैं मई जून में भी शिमला बना देता हूँ। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। एक अपराधी अपराध छोड़ता है तो परिवार के साथ साथ उसका गांव भी बदलता है। अपराध खत्म होगा तो यूपी में रोजगार आएगा और शिक्षा भी बढ़ेगी, लोगों का पलायन कम होगा। खैर, यह तो अपराधियों की बात हुई और योगी अपराध के मोर्चे में खुद को साबित कर ही लेंगे। सवाल यह है कि बढ़ते हुए बेरोजगारों के लिए सरकार के पास क्या तैयारी है। सूत्र बताते हैं कि यूपी में शिक्षा और मेडिकल पर भी सरकार गंभीर कदम उठाने वाली है। यह भी सुनने में आया कि शिक्षा के क्षेत्र में योगी एक मॉडल बनाएंगे जो कि केजरीवाल मॉडल से भी अच्छा बताया जा सकता है। आपको मालूम होगा कि 3 तलाक मामले में सबसे पहले इस एक्ट को ना सिर्फ योगी ने लागू कराया था बल्कि अपराधियों को जेल भी भेजा था। बात हुई जनसंख्या नियंत्रण बिल की तो योगी ने चुनाव से पहले ही उसे लागू करने का सोचा, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब शायद योगी शांत नहीं होने वाले हैं। हो सकता है कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ठोस कदम उठाया जाए। योगी के खींची राह पर बीजेपी के बाकी सीएम को चलने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि अब बुलडोजर जहां सही जगह पर चला तो बीजेपी की जीत वहां पक्की। यूपी के चुनाव में मुफ्त राशन से भी बड़ा मुद्दा बना रहा बाबा का बुलडोजर। ऐसे में 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है और शिवराज सिंह भी योगी की राह पर चल पड़े हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों के 3 घटनाओं का आपसे जिक्र करेंगे। 20 मार्च मध्य प्रदेश के शिवपुर में 1 घंटे में 3 घरों पर बुलडोजर चला। दरअसल नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में शहबाज, रियाज और मोहसिन खान को कोर्ट ने जेल भेजा और शिवराज सिंह ने बुलडोजर चलवा दिए। केस नंबर 2, 21 मार्च सिवनी में 3 आरोपितों के घर पर बुलडोजर चला। युवती से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी राहुल, हरिराम, नीरपत, विकास और वीरेंद्र वर्मा गिरफ्तार किया गया। राहुल, हरिराम और नीरपत के घर ढाह दिए गए। ऐसे ही घटना 22 मार्च को शहडोल में भी हुई। दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को सुबह से बुलडोजर चलने लगे थे। दरअसल बीजेपी को पहली बार यह एहसास हुआ कि कानून व्यवस्था पर भी चुनाव जीती जा सकती है, क्योंकि यूपी में योगी की सरकार रिपीट होने के पीछे कानून व्यवस्था का बड़ा हाथ
माना जाता है। अब मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी नजारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सारे मुख्यमंत्री को निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार लाई जाए और योगी जैसा बुलडोजर अपने अपने राज्यों में भी चलाए, क्योंकि जिस यूपी के बारे में कहा जाता था कि कभी नहीं सुधरेगा, उसे योगी आदित्यनाथ ने कुछ सालों में काफी हद तक सुधार दिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो कि योगी आदित्यनाथ से कहीं ज्यादा सीनियर है, उसके बाद भी योगी का स्टाइल अपना रहे हैं, तो यह बताता है कि योगी की राह पर चलने से हो सकता है कि एमपी में बीजेपी की जीत तय हो जाए। एक पोस्टर वायरल हुआ जिसमें लिखा था, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। अब बीजेपी का नया सिंबल बुलडोजर बनता जा रहा है और योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ता जा रहा है। आप देखते रहें आज की खास बात इन बीसीएन न्यूज़ पर।